लतीफ़ सचल ए सामी का बेतन के हवाले से सिंध ए हिंद में वही शोहरत माणीदड़ क्लासिकल शायर ताजिल बेवस के विछोड़े के अज टे साल मुकम्मल थी वया संदस जिंदगी ए फन बाबत पेश है माजिद समय की हि रिपोर्ट। जो काल दिहाड़ो गुजरी वो जो भी सुभाने अचणो आ काल अज ए मुस्तकबिल जो अरक निचूड़े अंदर ओते किलकू बोड़े लिखो आया गीत संगीत के दीदो आया सिंध धरती से मुख्तलिफ वक्त अमूल मानून जन्म वरतो है जिन सिंध माव से तोड़ तई निभायो पैंजो नालो तारीख के सुनहरी वर्कन में लिखायो उन्होंने एक नालो ताजल जो भी है। ताजल 22 सितंबर 1938 में खैरपुर जिले के तालके सूबे के रेचे गोठ पीर हयात शाह में मोहम्मद जाफर समे के घर में अख खोली हुई। चवन था ताज मोहम्मद समूह पे महबूब आडो बेवस हो अदबी दुनिया में पैं सुप ताजल बेवस के नाले से कराई। ताजल इक्तसादियात में एम ए कई खेस पेरी नौकरी 1960 में अंग्रेजी स्कूल में मिली 1996 में एक अहम उहदे तां रिटायर थो। ताजल जो पे किताब जडें भूई बणी 1982 में शाया थो। ताजल जहाँ मजमू तौर से 46 किताब लिखल जिनमें 31 शाया थी चुका है। ताजल के शाया थियल किताबन में शायरी मजमून ए सफरनामा शामिल है। ताजल बेवस की शायरी आबदा परवीन समेत केतर ही फनकार गाई ए संस कलाम सिंधु मुंजी अमा सूह तुझी मथा छा लिखी छा लिखा हिंदू ए सिंध में वही मकबूलियत मानी। ताजल न रुगो सिंधी पर उर्दू में भी लिखो संस उर्दू में ब किताब अची चुका है। ताजल के 1982 में पे अवार्ड मिलो सगा पारा 1992 में कींचर अवार्ड दिनों वो जैसे 1996 में हिंदुस्तान में नारायण श्याम अवार्ड भी मिलो। ताजल मुख्तलिफ वक्त केतरा ही अवार्ड हासिल किया। ताजल जो आखिरी किताब मलीर ची मारी हो जो शहीद मोहतरमा बेनसीर भुट्टो से लिखल है। ताजल बेवस से December 2008 में कराची में नौजवान शायर नसीर सुमरे के किताब की महूरती तकरीब में दिमागी फालिज जो हमलो थो जैबद 13 दिसंबर से हमेशा लाए विछड़ी पे अजू पैं वसीयत मूजिब संचे तारीखी माग कराची के चौकुंडी कब्रिस्तान में आरामी है। ओ सिंधु मुहे जी अमा सिंधु मुहे जी अमा सुह तुही जी अमा का चालू चालखा चालू की चालखा चालू की चालखा चालू की चालखा।